सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम्रपाली समूह के तीन डायरेक्टरों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। आज देर रात फॉरेंसिक ऑडिट के पूरे दस्तावेज को हासिल करने के लिए डायरेक्टर अनिल शर्मा को लेकर दिल्ली पुलिस सेक्टर 62 के आम्रपाली दफ्तर पर पहुंची और जांच के बाद 7 ठिकानों को सील किया गया ताकि फॉरेंसिक टीम आकर दस्तावेजों का परीक्षण कर सके। ऑफिस को सील कर सारे दस्तावेजों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और दस्तावेज बोरियों में भरकर सील कर दिया गया। सील किए गए दस्तावेजों में आम्रपाली सेंचुरी पार्क वैली के दस्तावेज शामिल हैं। अनिल शर्मा, सुप्रिया, अजय कुमार से नोएडा और दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। नोएडा के सेक्टर 62 के आम्रपाली दफ्तर नोएडा और दिल्ली पुलिस टीम दस्तावेजों की तलाशी पर दफ्तर को खंगालती हुई और मिले दस्तावेजों को सहेज कर बोरियों में सील कर लिया है। सील किए गए दस्तावेजों में आम्रपाली सेंचुरी पार्क वैली के दस्तावेज, आम्रपाली समूह के अन्य प्रोजेक्टों के दस्तावेज शामिल हैं। इन दस्तावेजों को फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भेजा जाएगा जिसके आम्रपाली समूह के चल अचल संपत्तियों का सही ब्यौरा जुटाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है जिसमें कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस और ग्रेटर नोएडा पुलिस को आपस में समन्वय करने और सारे अकाउंट संबंधी रिकॉर्ड सीज कर ऑडिट को दाखिल करने को कहा है। SPN9 न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।